उसने ये नहीं सोचा कि मैं इस मिशन को, इस बादशाही को तन तनहा या अकेले ही पूरा कर सकता हूं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया है कि इस मिशन के लिए अपने साथियों को चुनना शुरू किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने बुलाना शुरू किया है कि लोग जो हैं वो इस मिशन में हिस्सेदार बने। और आज की अंजील मुकद्दस में हमने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बुलाते हैं, उन्हें दावत दे रहे हैं कि वो आए और खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहकर वफादारी सीखे, खुदावंद यीशु मसीह की अंजील का प्रचार करना सीखे। आज जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बुला रहे हैं तो ये बुलावा जो है ये उस दौर का बुलावा नहीं है। यानी उस दौर में अमूमन ये होता था कि जो लोग किसी मजहब के बारे में तालीम हासिल करना चाहते थे वो अपने रब्बी का चुनाव करते थे। यानी जो लोग मजहब से लगाव रखते थे उन्होंने खुद अपने लिए किसी रब्बी का चुनाव करना होता कि ये फलां रब्बी ये बड़ा मशहूर है, हमने इसके पास जाना है और इससे तौरात सीखनी है। यानी यहूदी दौर में शागिर्द अपने लिए खुद रब्बी का चुनाव करते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहां पर क्या कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उस्ताद होकर, रब्बी होकर अपने लिए किनका चुनाव कर रहे हैं? शागिर्दों का चुनाव कर रहे हैं। यानी उस दौर के बुलावे से बहुत ही मुख्तलिफ बुलावा है आज का कि खुदावंद यीशु मसीह रब्बी और उस्ताद होकर अपने शागिर्दों को बुलाते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहकर उसकी जिंदगी से सीखें। यानी ये नहीं कि कोई असूल और जवाबत बनाए गए हैं कि ये तालीम है, इस तालीम से उन्होंने सीखना है, बल्कि यहूदी रब्बी जो थे वो अपने शागिर्दों को तौरात सिखाते थे, तोरा, ताकि वो उस तौरात को जाकर दूसरों को सिखा सकें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने तोरा का चुनाव नहीं किया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी से सीखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहकर वफादारी सीखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहकर खुदा बाप के मिशन के बारे में सीख रहे हैं कि उन्होंने खुदा के मिशन को आम करना है। ये मिशन जो खुद खुदा बाप का मिशन है, उस मिशन को फरोग देना है। और मसीह खुदावंद ने मेरे अजीजों, आज की अंजील मुकद्दस में जब हम इस चुनाव पर गौर करते हैं तो ये चुनाव जो है ये बड़ा मुनफरिद चुनाव है, बड़ा खूबसूरत चुनाव है कि ये चुनाव खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों की काबिलियत देखकर नहीं किया, उनकी सलाहियत देखकर भी नहीं किया, बल्कि इस चुनाव में, इस इंतखाब में खुदावंद यीशु मसीह का प्यार पिन्हा है, खुदावंद यीशु मसीह का प्यार छुपा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह इन शागिर्दों की वफादारी को, इनकी दलेरी को और इनकी साबित कदमी को जानता है कि ये शागिर्द हमेशा जान देने तक मेरे वफादार रहेंगे, ये शागिर्द मेरे साथ हमेशा साबित कदम रहेंगे, हमेशा अपनी जानों का नजराना भी इस अंजील के प्रचार के लिए देंगे। हम तस्निया शरा की किताब में मूसा से बयान सुनते हैं कि मूसा ने जब इसराइल की कौम बड़े गरूर और फखर में जिंदगी गुजारती थी कि हम
खुदा के